बाइबल बताती है प्रयोग हमें हर एक प्रकार की दुष्टता से बचे रहना चाहिए, इस संसार की दुष्टता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि केवल इस संसार में बुराइयां देखने को मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 6:17-18 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। प्रियो, इस संसार में आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीवी का घमंड और अहंकार है, और जो कोई संसार से प्रेम करता है वो इन अभिलाषा के अनुसार जीवन जीता है, क्योंकि वो उनमें फंस जाता है, क्योंकि आत्मिक अंधकार की शक्ति उस पर प्रभुता करती है और वो आंसू के साथ अपना जीवन जीते हैं। मगर परमेश्वर कहता है तुम इन सब अशुद्ध वस्तुओं से भागो, कोई बुराई में अपना हाथ मत लगाओ, पवित्र बने रहो, निर्दोष बने रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, इस रीति से तुम मेरे बेटे बेटियां हो जाओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। प्रभु के आगमन से पहले पहले हमें अपने आप को निर्दोष करना, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को पवित्र करना है प्रियो, तब आप परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देख पाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराशा का सामना कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आज अब फियर में होंगे, डर में होंगे, बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, कब आप इनसे छुटकारा पाएंगे, आप इस प्रकार से रो रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस संसार की वस्तुओं पर आप भरोसा ना रखें, आप परमेश्वर की खोज करें, आप प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, जिसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के मुख का दर्शन मांगे, प्रभु की उपस्थिति को मांगे, प्रभु के संग को मांगे, प्रभु की सहायता को मांगे, प्रभु आपके लिए चमत्कार को करेंगे।